SN Live सच सबसे आगे। रत्नेश कुमार वर्मा को महाराजगंज थाने की कमान, तो अमरेंद्र कुमार संभालेंगे सर्किल की बागडोर। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिवान पुलिस महकमे में भारी फेरबदल की गई है। इसी कड़ी में महाराजगंज थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह का तबादला सारण जिले में किया गया है, जबकि सारण जिले से आए सिवान पुलिस लाइन में तैनात इंस्पेक्टर रत्नेश कुमार वर्मा को महाराजगंज थाने की कमान सौंपी गई है। इसके साथ ही महाराजगंज सर्किल इंस्पेक्टर अमरेंद्र कुमार को बनाया गया है। इसके साथ ही पुलिस केंद्र सिवान में तैनात इंस्पेक्टर अरुण कुमार अकेला को DIU शाखा गोपनीय कार्यालय में तैनात किया गया है, जबकि इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह को प्रभारी विधि शाखा पुलिस कार्यालय में तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार को प्रभारी विधि व्यवस्था सड़क सुरक्षा कोषांग पुलिस कार्यालय सिवान में तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर अब्दुल माजिद को आंध्र प्रभाग का सर्किल इंस्पेक्टर बनाया गया है। इंस्पेक्टर अमरेंद्र कुमार को महाराजगंज सर्किल इंस्पेक्टर बनाया गया है। इंस्पेक्टर संजीत कुमार को मुफज्जिल प्रभाग का सर्किल इंस्पेक्टर बनाया गया है। इंस्पेक्टर अभय नंदन कुमार को यातायात थानाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि इंस्पेक्टर सुजी चौधरी को अपर थानाध्यक्ष साइबर सेल की कमान सौंपी गई है। सिवान जिलाधीश संख्या में नए SP द्वारा जारी की गई है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि देर रात्रि तक अन्य थानों में भी थानाध्यक्षों की नियुक्ति तथा सर्किल इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिवान के सभी थानाध्यक्षों का तबादला सारण एवं गोपालगंज में कर दिया गया है। यह बताते चले कि सिवान में कई पुलिस पदाधिकारी सारण एवं गोपालगंज से बदलकर सिवान पुलिस लाइन में अपना योगदान दिए हैं। किन्हें किस थाने की कमान सौंपी जाएगी, यह पुलिस विभाग में मंथन चल रहा है। यहां बताते चले कि पुलिस विभाग में जिनकी समय सीमा पूरी नहीं हुई है, उनमें हुसैनगंज थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर विजय कुमार यादव, नगर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर सुदर्शन राम एवं GB नगर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार तथा महिला थाना अध्यक्ष डॉली कुमारी शामिल है। पुलिस विभाग में समय सीमा के अनुसार जो पुलिस पदाधिकारी बंधे हुए हैं, उनको अनुमंडल स्तर से तबादला किया गया है, जो अपना अपना योगदान संबंधित थाना में दे चुके हैं और शेष बचे पुलिस पदाधिकारी देर रात तक अपनी योगदान दे सकते हैं। यहां बताते चले कि सबकी निगाहें हमेशा विवादों के घेरे में रहने वाला थाना बड़हरिया पर टिकी हुई है। इसके अलावा भी सबकी नज़र बसंतपुर, मेरवा एवं GB नगर पर भी है। सिवान से SN लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट